सिवान में लोक आस्था के महान पर्व छठ पर युवाओं की टीम मानवता की मिसाल पेश कर रही है। युवाओं ने छठ व्रतियों के परिवार के लिए रात्रि में भोजन की व्यवस्था की है। युवाओं ने बताया कि आज डूबते हुए सूर्य को छठ व्रतियों ने अर्घ दिया है और निजला व्रत किया है। ऐसे में घर पर परिवार के लिए भोजन बनाना संभव नहीं है। इसी को लेकर हम युवाओं की टीम हर साल छठ व्रतियों के परिवार के लिए भोजन की व्यवस्था करते हैं। हमारी टीम पूरी सब्जी का पैकेट तैयार करती है और सभी छठ व्रतियों के घर घर पहुंचाती है, जिसमें छठ व्रतियों को परेशानी ना हो उठाना पड़े। इसके लिए ये युवा लगातार ऐसा कार्य कर रहे हैं। यह सिवान का सरधनंद बाज़ार है, जो वार्ड नंबर 20 है, जहाँ पर युवाओं की टीम ने एक मिसाल पेश की है। माताएं व्रत करती हैं, इसको लेकर घर में रात्रि का भोजन बनाना बहुत दिक्कत का काम होता है और दिक्कत होता है। इसको लेकर युवाओं की टीम ने एक यूनिटी बनाई और पैकेट बंद पूरी सब्जी बनाकर माताओं के घर घर जाकर पहुंचा रहे हैं। मानवता की मिसाल बने वार्ड नंबर 20 के ये कार्यकर्ता। हमारे मोहल्ले वाले जो है कि नहीं, जो छठ व्रती हैं, जिनके घर में छोटा बच्चा है, औरतें जो पर्व कर की हुई हैं, उनके यहाँ खाना नहीं बनता, इसलिए हम लोग जो है कि नहीं उनके घर में खाना पहुँचाते हैं। ये किस मोहल्ले में हो रहा है, कैसे हो रहा है? सदन बाजार वार्ड नंबर 20 में हो रहा है। ये किसके माध्यम से कैसे क्या चलता है? ये हमारे पूरे मोहल्ले वाले मिल के कराते हैं। किस लिए किया है? आयोजन इसलिए किया जाता है कि छठ के दिन सब लोग भूखे रहते हैं, महिलाएं, उनको मेहनत नहीं हो, इसलिए आयोजन किया जाता है। ये आयोजन किसके माध्यम से होता है और कहाँ पे होता है? ये किसी के माध्यम से नहीं होता है, ये पूरे मोहल्ले के सब लोग के सहयोग से होता है। कहाँ पे? सदानंद बाजार सब्जी मंडी में। A nation begins from the ground up, just the way man does. And as we fill in the pages of our lives, a greater story is written, unnoticed. We become the men who help build a nation. As we button up each day to harvest, protect, build, fix, be the man who grows other men. We all work together to make the impossible possible. And build the Indian dream. Because the spirit of a nation is kept alive by the spirit of man. Indian terrain